A very good afternoon to all of you. How are you all? कैसे हैं आप सब? Welcome back. Good afternoon, Manu. Good afternoon, Sunakshi. Very good afternoon. God bless all of you. कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, सब अच्छे से चल रहा है? ओके, तो अभी बच्चे इन कर रहे हैं धीरे धीरे. गुड आफ्टरनून करण. ओके, प्रीवियस क्लास में अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है? सो उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, ठीक है? देखिए, मैंने कल भी बताया था कि गवर्नमेंट स्कीम जो है वो आपको बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी ना करके वो करनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन हो, ठीक है? तो मैंने तो पीपीटी में वो ही रखी हुई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपके आएंगी और आती हैं और आ भी रही हैं, ठीक है? आपको जो भी मिलता है लगता है कि रेलेवेंट है, तो ऐसा नहीं है कि उनको आप ना करें. जस्ट गो थ्रू विद देम, थोड़ा बहुत उनकी नॉलेज रखिए, ज्यादा मत रखिए, बहुत डिटेल में मत जाइए, उतना ही काफी होगा आपके लिए, ठीक है? तो चलिए, प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस कर ली थी उनके अलावा अगर कुछ पर बात करें, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी काफी बार बोल चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? आत्मनिर्भर भारत अभियान की अगर हम बात करें तो देखिए, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत. मैंने कल भी बताया था, क्योंकि एक स्कीम आपकी मैंने शायद एक्सप्लेन की हो आपको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें कि हमने गरीब के कल्याण के लिए, जो कि पुअर सोसाइटी है, उसके कल्याण के लिए कुछ स्कीम ला रखी है, जिसमें कि उनको अनाज देना, चावल देना, ये सब चीजों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब आता है इसमें, ठीक है? तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या? इट्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम. सेल्फ रिलायंट मतलब कि हमें भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है बेसिकली फोर ट्रेंचेस में. फोर ट्रेंचेस का मतलब चार स्टेजेस में इसको कवरअप करना है. वो चार स्टेजेस आप देखिएगा, लेकिन उन चार स्टेजेस में कौन कौन से पिलर्स पर, किन किन मुद्दों पर बात होगी और आत्मनिर्भर भारत किस किस चीज पर फोकस करेगा, उनके बारे में भी मेनली जानना है. चार जो ट्रेंचेस हैं, वो ट्रेंचेस आपको सिर्फ ये देखना है कि उन ट्रेंचेस में चेंजेस क्या क्या हुए हैं, ठीक है? दैट्स इट. आपको उससे वैसे मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मतलब वाली बात है वो ये है कि इसमें आत्मनिर्भर भारत में नरेंद्र मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम इसमें पूरे स्कीम पे खर्च जो उठाएंगे वो आपका कितना होगा, 20 लाख करोड़ का होगा, ठीक है? 20 लाख करोड़ का होगा, जिसमें कि ऑलरेडी जो है 1.70 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज हम गरीब कल्याण योजना में ऑलरेडी दे चुके हैं गरीबों के भले के लिए, और बेसिकली फॉर द पुअर टू ओवरकम द डिफिकल्टी कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन इम्पोज्ड टू द चेक इट्स स्प्रेड, ठीक है? तो जो कि आपके कोविड टाइम के टाइम पर आपके लोगों को प्रॉब्लम फेस ऑफ करने को मिली है, जिनके रोजगार छूट गए हैं, उनको साथ के साथ गरीबों के पास, जिनके पास खाने की फैसिलिटीज नहीं है, उन सबके लिए खाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, अनाज की, हेल्थ की कंडीशंस के लिए, ये सारी इन चीजों के लिए क्या किया गया था, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को स्टार्ट किया गया था मई 2020 में, ठीक है? मई 2020 में ये स्टार्ट हुआ था. इसमें 5 पिलर्स के ऊपर बात की थी आपके प्रधानमंत्री जी ने. प्रधानमंत्री जी ने 5 पिलर्स में किस किस चीज पर बात की? द फर्स्ट वन इज इकॉनमी, ठीक है? इकॉनमी को बेस्ट लेवल पर लेकर जाना है. जितना भी इकॉनमी में अप्स एंड डाउन आए हैं, जीडीपी कम ज्यादा हो रही है, जो वो उस पर ध्यान देने की बात की गई. साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन, मेनली ऑन रूरल एरियाज. थर्ड वन इज 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अरेंजमेंट एंड द सिस्टम, यानी जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको इकोनॉमी में लेकर आना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रैपिड मेट्रो एंड ऑल, ठीक है? रैपिड मेट्रो को ले सकते हो. ये सब चीजें आपके किस में आती है? 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी में आती है, इंडिया के बेसिस पर अगर बात करें तो, ठीक है? बाकी अदर कंट्रीज के लिए बात करें तो वहां तो ऑलरेडी बहुत हद तक पहले से ही डेवलप्ड है ये चीजें, ठीक है?
उसके बाद डिमांड, डिमांड की बात यहाँ पर है कि इकोनॉमी में जो पीपल की डिमांड है उसको बहुत हद तक पूरा किया जाए, जैसे कि यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए बात बहुत बोली जा रही है, जितने भी एग्जाम्स हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में उन सबको नोट डाउन किया जाए कि कौन से कैंसिल हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे, ऐसी चीजों की डिमांड इस पिलर में रखी गई है। उसके बाद वाइब्रेंट डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी में आता है कि हर एक पॉपुलेशन में हम मेल फीमेल जेंडर वाइज चिल्ड्रन वाइज वुमेन्स हेल्थ वाइज हर एक डेमोग्राफिक को नोट करेंगे, सेक्स रेशियो वाइज मोर्टालिटी रेट वाइज हर एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जिसकी जो जो नीड है उनको पूरा किया जाएगा इस आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत। क्लियर क्लास? तो ये फाइव पिलर्स मेन है, क्वेश्चन ये पेपर में आ भी सकता है और मतलब आने के चांसेस हैं कि आत्मनिर्भर भारत में किन फाइव पिलर्स पे मेनली फोकस करने की बात की गई है। तो ये फाइव है और इसके अलावा जो होगा वो ऑप्शन में नहीं होगा, या ऑप्शन में होगा तो आप उसको नहीं टिक करोगे अगर ये पूछा जाता है कौन सा नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत में बेसिकली 20 लाख करोड़ का जो कि पैकेज मैंने बोला है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ये जीडीपी हमारी कंट्री का जितना उसका 10% है ये अप्रोक्स। और बेसिकली ये जो पैकेज है ये एम्फसाइज करता है किन चार चीजों पर, दैट इज ऑफ लैंड पर, लेबर पर, लिक्विडिटी एंड लोस पर। यानी ये पैकेज इन चारों चीजों से उठाया जाएगा, लैंड से, लेबर से, साथ के साथ लिक्विडिटी जितनी भी मार्केट में है, और लॉस से। ठीक है, द पैकेज इंक्लूड्स द मेजर्स अक्रॉस द मैनी सेक्टर सच एज द एमएसएमई, एमएसएमई से भी कुछ पोर्शन होगा, कॉटेज इंडस्ट्री से, मिडिल क्लासेस के लिए, साथ के साथ माइग्रेंट और इंडस्ट्रीज के लिए भी ये पैकेज इंक्लूड करता है। ठीक है, इस पैकेज के थ्रू यानी इन इन सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा। एमएस लिक्विडिटी रणनीति, लिक्विडिटी जहां भी वर्ड आएगा ना, इट्स सिंपल मीनिंग योर मनी, पैसा, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, जस्ट। ठीक है, आप लिक्विडिटी को इतना बहुत ज्यादा, मैंने देखा है बच्चे लिक्विडिटी वर्ड आते ही बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लिक्विडिटी जहां भी आए आप समझ लो कैश, दैट्स इट, मनी। ठीक है, उसके बाद अगर, ठीक है परिणीति, प्रणीति, ठीक है, ओके, व्हाइल यू आर टाइपिंग गाइस तो प्लीज थोड़ा सा देख लिया करो, यस शिट वैसे ही अंडरस्टूड है, यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के लिए कुछ आपके रिफॉर्म्स की बात की गई है, जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, और वो रिफॉर्म्स की जो बात की गई है वो क्या है, दैट इज सिंपल एंड क्लियर लॉज हो। यानी जब भी आत्मनिर्भर भारत के थ्रू कोई भी लॉज बनाया जाएगा या लॉज बनाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, और वो ऐसा होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत सिंपल होना चाहिए। रैशनल टैक्सेशन सिस्टम, रैशनल टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है कि अगर कभी भी सपोज करो हम बात करते हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज जो दिया जाएगा, उस पैकेज के हिसाब से ये ना हो कि कभी इंसान को मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा में मिले, मतलब टैक्सेशन सिस्टम जो है ना वो सबके लिए इक्वली होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। उसके साथ सप्लाई चेन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होंगे वो रिफॉर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो फार्मर्स की जो नीड है, फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होने चाहिए। साथ के साथ कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी कमी होती है उन सब की डिमांड को फुलफिल किया जाएगा, कैपेबल बनाया जाएगा। साथ के साथ फाइनेंशियल सिस्टम को तो स्ट्रांग बनाया जाएगा, यानी लोन फैसिलिटीज वगैरह जितनी भी हैं वो सब अच्छी तरीके से हर किसी को अवेल हो सके, विद देयर एलिजिबिलिटी, विद देयर प्रायर कंडीशन जो भी रखी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि किसी एक को लोन अवेल हो रहा है किसी को नहीं हो रहा, बाकी कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ माइनर केसेस में ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता अवेलेबल। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें आत्मनिर्भर भारत में फोकस की गई। उसके बाद अगर हम बात करें दी नेक्स्ट वन, तो वो है आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि आपका 15 अगस्त 2020 में एस्टैब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया बाय द नरेंद्र मोदी जी के थ्रू, जिसका मैंने शायद ही बता भी दिया होगा आपको, किसका मिशन जो था वो क्रिएट करना इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लिंकिंग प्रैक्टिशनर्स विद द पेशेंट डिजिटली बाय गिविंग देम एक्सेस टू द रियल टाइम हेल्थ रिकॉर्ड्स। यानी हम ना डिजिटल मीडियम प्रोवाइड करें हेल्थ के लिए, इट मींस अगर किसी को भी सपोज अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए ना वो
वहीं जाकर मतलब ओपीडी डिपार्टमेंट पे जाकर किसी हॉस्पिटल के लाइंस ना लगाएं, वो प्रायर अपॉइंटमेंट ले लें, ऑनलाइन ले लें। जैसे कि एम्स में आप देखते होंगे कि एम्स के हॉस्पिटल्स में मतलब वहां पर प्रायर अपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन देखना पड़ता है। हालांकि अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिल जाता है, तो वो लाइन भीड़ ना लगे, जिससे कि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो उनके लिए ये डिजिटल मीडियम प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि जो कि प्रमोट करेगा बेसिकली हेल्थ केयर को। ऑब्जेक्टिव क्या है, वीडियो कॉल पे नहीं पढ़ने थे, मतलब आप साइट पे जाओगे ना, एम्स की जैसे साइट पर जाओगे तो वहां पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का एक पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पे जाकर आप उस पे डेट भी है कि आप शेड्यूल कब करना चाहते हैं अपना, इस चीज पर आप मतलब कौन से डिपार्टमेंट में चाहते हैं। लाइक आप सर्जिकल डिपार्टमेंट का चाहते हैं तो उसकी आप डेट देख लीजिए कब कब अवेलेबल है। लाइक ENT डिपार्टमेंट में चाहते हैं तब देख लीजिए, इस तरीके से होता है वहां पर। ठीक है परिणीति, नंबर लगाना नहीं, नंबर नहीं लगाना पड़ता सोनाक्षी। मतलब अब ज्यादातर हॉस्पिटल्स का यही कर दिया गया है, बाकी कुछ हॉस्पिटल्स की अगर बात करूं तो वही है, ओपीडी के लिए नंबर लगाओ जाकर, ऑनलाइन ही कंसल्ट। नहीं हिमांशी, ऑनलाइन अब के टाइम पर ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन अगर और मैं कोविड से पहले की बात करूं तो 2020 से पहले से चल रहा है ये सिस्टम। तो 2020 मतलब अगस्त 2020 में इसके लिए ये बोला गया कि सब हॉस्पिटल्स को कर दो, लेकिन चल बहुत से हॉस्पिटल में ये पहले से रहा है कि लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करा लें उस दिन आकर जिस दिन का उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल किया है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, बेसिकली डिजिटल हेल्थ सिस्टम तो एस्टैब्लिश करना है, साथ के साथ क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रीज। यानी अगर सपोज करो कभी भी कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हमें मिलना है तो उनका एक क्लियर डाटा होगा हमारे पास, क्लियर डेटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग हौच पौच करें, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो वहां पर कुछ भी ना मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ नहीं होता, पता नहीं चल पाता कि आपको कहाँ जाना है, किससे आपको चेकअप्स लेने हैं या लैब टेस्टिंग्स होती हैं, तो वो सिर्फ लिख कर दे देते हैं लेकिन प्रॉपर चीजें नहीं पता चल पाती। तो इसका एक यहाँ पर आपका हर एक चीज डिजिटली होगी। लाइक आपको ड्रग से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, फार्मेसी से रिलेटेड कुछ बात पूछनी है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी है, तो सब डेटा यहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, साथ के साथ जितने भी पेशेंट्स इसमें रजिस्टर करेंगे अपने आप को, उनका एक डेटा मेंटेन किया जाएगा हेल्थ रिकॉर्ड की, किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। उसके साथ साथ एंटरप्राइजेस क्रॉस हेल्थ एप्लीकेशन सिस्टम, इसमें एंटरप्राइजेस के लिए भी, जो एंटरप्राइजेस वाले लोग हैं जो कंपनीज चला रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन सिस्टम है। साथ के साथ एडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाइल कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, साथ के साथ हमने इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी साथ में रखा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हॉस्पिटल आपको वो फैसिलिटी नहीं दे पाया तो वो क्या कर लेता है, रेफर कर देता है कि आप इस जगह पर जाकर मतलब करा लो अपना ट्रीटमेंट। लाइक अगर सपोज मैं बात करूं कि रेलवे का हॉस्पिटल, रेलवे डिपार्टमेंट से जो लोग होते हैं उनका हॉस्पिटल ना अलग अलग स्टेट्स में बने हुए हैं, लेकिन अगर सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करें रेलवे का तो वो दिल्ली में है, और उसमें अगर सपोज करो कि कोई यूपी में रह रहा है, यूपी में रेलवे का उसका ट्रीटमेंट नहीं चल पा रहा, तो उसको रेफरल कर दिया जाएगा यूपी से कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, तो वो दिल्ली के रेलवे हॉस्पिटल में आकर अपना चेकअप करा सकता है। डिजिटल मीडियम, आपने शायद सुना होगा कि उम्मीद करके एक कार्ड भी बना हुआ है मेडिकल हेल्थ के लिए, उम्मीद करके, उम्मीद में जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, साथ के साथ आपका कोई भी ऐसी डिजीज जो कि इनक्योरेबल है उसके लिए ट्रीटमेंट भी होता है। बाकी इसमें मतलब आप दिखा हर चीज सकते हो, लेकिन मेनली जो उम्मीद कार्ड वाले हैं ना, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स और जो इनक्योरेबल डिजीज हैं उनके मेडिकेशन के लिए, मतलब जो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलेगा उनका, उसके लिए उम्मीद कार्ड बना हुआ है कुछ कुछ लोगों का। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से रेलवे में ही है उम्मीद कार्ड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वर्क करने के लिए बोलता है। After that, उसके बाद अगर हम बात करें, क्लास समझ आ रही है बातें? ओके, बाकी आज लोग ये सब, करण, कनिनिका, अनमोल टंडन, आप सबको समझ आ रहा है? मनु, प्रेरणा, प्रप्ति, संजत, स्वाति गिरी, उमंग,
ओके, चलिए तो ठीक है, अच्छी बात है, समझते रहिए। जहां भी ना समझ में आया करे मुझे क्वेश्चन कर दिया करो, ठीक है, बता दिया करो, मैं दोबारा समझा दिया करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है दी अनदर वन इज स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या है? स्वामित्व स्कीम एक बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि 24 अप्रैल 2020 में स्टैब्लिश किया गया था ऑन द नेशनल पंचायत डे। ठीक है, ऑन द नेशनल पंचायत डे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये किया है, MOPR ने। एक्चुअल में जितने भी लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिसाब किताब प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जितनी जगह पर वो रह रहे हैं उनकी कोई एक प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं होती, प्रॉपर उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होती। ठीक है, तो होता क्या है कि वो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कब, मतलब या फिर अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं सपोज, तो उसी गांव में वो उसी किसी प्रॉपर्टी को अगर परचेज कर रहे हैं तो वो उस पर ना लोन की फैसिलिटीज नहीं अवेल कर पाते। ठीक है, और होता ऐसा इसलिए क्योंकि उस प्रॉपर्टी का कोई पूरा हिसाब किताब नहीं होता कि दैट इज एक्चुअल में वैलिड है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये इनिशिएटिव को इसीलिए लाया गया स्वामित्व इनिशिएटिव, जो कि स्वामित्व का मीनिंग ही यहाँ पर है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, स्वामित्व की जो फुल फॉर्म है दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिससे कि ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए कि जितना भी लैंड डिवीजन है विलेजेस का वो कितना कितना किसके पास है, किसने किसने खरीदा हुआ है, प्रॉपर उनके पास रजिस्ट्री है या नहीं है, ये पूरा मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअल में जीपीएस सिस्टम के थ्रू किया गया था, जीपीएस सिस्टम के थ्रू ये किया गया था अप्रैल 24, 2020 में। ठीक है, तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहा, यही है इसके मेन ऑब्जेक्टिव। दिस विल ब्रिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया सच एज द लैंड एंड प्रॉपर्टी कैन बी यूज एंड असेस्ड टू गेट अ लोन और एंजॉय एनी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट। यानी जो मैंने आपको बात बताई कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर लोन अवेलेबल नहीं कर पाती क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी उतनी वैलिड नहीं होती, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते जैसे कि अर्बन एरियाज में होते हैं कि हाँ ये लैंड मेरा है और मेरे मेरे पास इसकी रजिस्ट्री है, ये फ्लैट मैंने खरीदा हुआ है, प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पास। उसके बाद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज द लैंड डिवीजन एंड द रिकॉर्ड्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड एंड द नोटेड। पहले टाइम पर क्या होता था, देखो गांव में तो जनरली यही था कि जो लोग बस गए जहां जाकर उनकी वो प्रॉपर्टी हो गई, उनके पास कोई जमीन के पेपर नहीं होते थे कि हमने ये इतने में खरीदी है। थ्रू दिस स्कीम द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू क्रिएट द एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर द रूरल प्लानिंग। रूरल प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव रखा कि वो एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स रख सके। साथ के साथ इट विल हेल्प इन द डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स व्हिच वुड अक्यूर टू द जीपीएस डायरेक्टली इन द स्टेट्स वेयर इट इज डेवलप्ड और एल्स डिवॉल्व और एल्स एड टू द स्टेट एक्सचेकर। यानी हमारे जिस स्टेट में जो जो डिस्ट्रिक्ट में जो जो विलेजेस हैं उनका कोई टैक्स तो आ नहीं पाता, तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी उन्हें इंक्लूड किया जाए। साथ के साथ स्टेट उनका जो एग्जामिन करेगा वो किसके साथ करेगा, जीपीएस सिस्टम के साथ करेगा। ठीक है, साथ के साथ अ लॉट ऑफ लीगल एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आर स्टिल पेंडिंग इन द रूरल एरियाज। दिस प्रोजेक्ट विल आल्सो हेल्प टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। दिस इज द मेन कंसर्न एक्चुअली। रूरल एरियाज में आपने देखा भी होगा कि जमीन जायदाद के लिए लोग कितना लड़ते हैं, लाइक भाई भाई में चार पांच भाई हैं, वो जमीन उनके माँ बाप उनकी छोड़ गए, उसके बाद उनको डिवीजन में दिक्कत होती है कि किसको कितना डिवीजन मिलेगा। साथ के साथ डिवीजन की बात करें तो दूसरी व्हाट विल बी डन विद जीपीएस, जीपीएस के थ्रू संचित सर्वे किया जाएगा कि ये लैंड यहाँ पर पड़ी हुई है, ये लैंड किसकी है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा है जैसे कुछ लोग ना रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में मूव कर जाते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी वहीं छोड़ गए, लेकिन होता क्या है कुछ टाइम के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ मेजरमेंट कह सकते हो, मेजरमेंट भी करते हैं उससे जीपीएस से। आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग जब जैसे छोड़ के चले गए ना अगर जमीन, तो उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी जीपीएस सिस्टम से वो देखेगी कि गांव में किसी एक कॉलोनी में गांव की वो लैंड खाली पड़ा हुआ है और वो किसका है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं गाँव में कि वो ना अपने पास उसको हड़प लेते हैं, कह सकते हो जब्त कर लेते हैं जमीन, ये तो मेरी है,
या फिर अपने कुछ ऑक्यूपेशन शुरू कर देते हैं, लाइक अपना जो एनिमल्स वो कर रहे हैं वहां पर, जिनको पैट बना रखा है, कुछ भैंस वगैरह रखनी शुरू कर दी, मतलब ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोगों का ऑक्यूपेशन होता क्या है, जनरली वो यही तो करते हैं, भैंस रख ली, दूध दूध का काम करना शुरू कर दिया, ऐसी चीजें वो स्टार्ट करते हैं ज्यादातर ऐसी जगहों पर। तो इसीलिए ऑक्यूपेंसी को ट्रस्ट करना इज द मेन थिंग। मेजरमेंट भी कितना है, ऑक्यूपेंसी कितनी है वहां पर। बट द प्रॉब्लम गवर्नमेंट डज हैव विद दैट, एक्चुअल में प्रेरणा आप खुद समझिए, जब अगर लैंड रिकॉर्ड पूरा नहीं होगा तो आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास क्या रूरल एरिया से टैक्सेशन होता होगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है होता होगा, नहीं होता होगा ना। तो और गवर्नमेंट के अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो अर्बन एरियाज की तो लैंड ऑक्यूपाइड रहती है, साथ के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी पे होता है। लेकिन क्या आपने कभी भी रूरल एरियाज में जमीन देखी कितनी खाली पड़ी हुई होती है कहीं कहीं? आप इधर की साइड यूपी में जैसे भी मूव करोगे, यूपी स्टार्ट होते ही यूपी के आधी जगहें खेत भी नहीं है, वो फील्ड्स नहीं है, वो कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, उस पर किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये राइट बनता है कि अगर ये जमीन खाली पड़ी है तो क्यों पड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर वो खाली जमीन देखेगी तो मे बी गवर्नमेंट उसको खरीद कर, जिसकी है या जिसकी नहीं भी है, तो गवर्नमेंट उसको खरीद कर वहां कुछ ऐसी चीज एस्टैब्लिश करेगी ना विच इज फ्रूटफुल फॉर द रूरल एरियाज, मे बी कुछ इंडस्ट्री लगाए या कुछ ऐसा फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दे जो कि गाँव के लोगों को रोजगार दे सके। मतलब दिस इज द प्लान, दिस इज द प्लान बाय विच गवर्नमेंट कैन डू समथिंग बेटर फॉर द रूरल एरियाज। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना संजय, प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल एरियाज में लगता है, क्योंकि हम आपको मैं बता क्या रहा हूँ, ये मैं बता ही इसलिए रहा हूँ ना कि रूरल एरियाज के लिए स्वामित्व स्कीम है। अगर हम इस स्कीम को लॉन्च कर देते हैं और वहां पर पूरा ब्योरा कर लिया जाता है लैंड का, तो हम उस लैंड को भी जहाँ पर लोग रह रहे हैं साथ के साथ जहाँ नहीं रह रहे हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको इंक्लूड कर देते हैं। विलेजेस म्युनिसिपल में नहीं आते, तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है, पंचायती सिस्टम तो अवेलेबल है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस डिफरेंट थिंग फॉर द अर्बन एरियाज एंड द पंचायती राज फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना शेड्यूल 11 12 ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी में पढ़ा है शेड्यूल 11 और 12, ग्यारहवीं अनुसूची और बारहवीं अनुसूची में ये चीजें मेंशन है, पंचायती राज जॉब का कब आया और कैसे कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें पढ़ी होंगी, उसी से रिलेट करता है। ठीक है प्रेरणा, क्लियर हुआ आपको? संजीत क्लियर? मानसी आप कुछ कहना चाहते हैं? अंडर आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम, मुझे जितना मुझे आर्टिकल अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट है फॉर द आपका पंचायती राज, एंड आपका 74th फॉर द 73rd आई थिंक अर्बन एरियाज के लिए, एंड 74th फॉर द रूरल एरियाज। है ना, प्रॉपर्टी टैक्स इज डिफरेंट, यस प्रेरणा, प्रॉपर्टी टैक्स एरिया वाइज डिफरेंट टू डिफरेंट होता है, वो बात होती है प्रॉपर्टी टैक्स की डेवलपमेंट के बेसिस पर कि कहाँ का डेवलपमेंट कैसा है। जैसे कि आप फ्लैट्स की अगर बात करेंगे, फ्लैट या फिर कोई आपके इनकी बात करें जो सोसाइटल लेवल पर चीजें होती है ना, उनमें अलग अलग होते हैं, कॉलोनी वाइज अलग होते हैं, एरिया वाइज डिफरेंट टू डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, यस। तो ठीक है, तो जितने भी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड रिलेटेड, वो सारे भी स्वामित्व स्कीम के थ्रू रिजॉल्व करने के बाद की गई थी। क्लियर क्लास? तो ये है आपका स्वामित्व स्कीम। आफ्टर दैट द अनदर वन इज प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई। ठीक है,
प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कि आपने शायद सुना होगा इस स्कीम के बारे में, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ एन इंडियन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द स्लम ड्वेलर्स। जो भी आपके आपने देखा होगा कि साइडवाइज रोड के झोपड़ी झुग्गी बनाकर रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम्स लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री के थ्रू। दैट वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, बेसिकली जिस मिनिस्ट्री ने ये स्टार्टअप लिया, दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। जितने भी अर्बन एरियाज में पुअर लोग हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड की जाए और पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए, इसके लिए आपकी स्कीम थी। और इसी को पहले इसका नाम हाउसिंग फॉर ऑल ही था, अब इसको नाम से जाना जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, इट इज फॉर बोथ पीपल रिजाइडिंग इन अर्बन एंड रूरल एरियाज दैट फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। फिर पहले ये स्टार्ट किया गया था ओनली फॉर अर्बन एरियाज के लिए, लेकिन अब ये रूरल एरियाज के लिए भी है, दोनों के लिए है, जब से इसका नाम चेंज हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है बेनिफिशियरी की, दैट इज 70 इयर्स। ठीक है, 70 इयर्स तक का कोई भी पर्सन इसको अवेल कर सकता है, 18 साल से लेकर 70 इयर्स तक का कोई भी पर्सन इस फैसिलिटी को ले सकता है। लेकिन क्या क्या करना होगा उसे, द बेनिफिशियरी शुड हैव अ फैमिली दैट कंप्राइजेस ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, उस फैमिली में कौन कौन होगा, अकेला सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए, उस फैमिली में कौन होना चाहिए, हस्बैंड हो, वाइफ हो और उसके अनमैरिड बच्चे। ठीक है, मैरिड बच्चे नहीं, अनमैरिड बच्चे। उसके बाद अगर बात की जाए, द बेनिफिशियरी शुड नॉट ऑन अ पक्का हाउस आइदर इन देयर नेम्स और इन देयर नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ये बेनिफिट उस बंदे को मिलेगा जिसका कोई भी पक्का हाउस ना हो। पक्का हाउस इज मीन्स मैं आप कह सकते हो मैकेडमाइज्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि सीमेंटेड हाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कच्चा हाउस का मतलब है कि फ्लोरिंग कच्ची है, दीवारें जो हैं, जैसे गांव में आपने देखा होगा दीवारें मिट्टी की बना दी जाती है, मिट्टी का प्लास्टर करा के मिट्टी में ही उनको मतलब सीमेंट की जगह मिट्टी से ही उनको ईंटे लगाकर बनाया जाता है ना। इज देयर एनी वैलिडिटी ऑफ दीज स्कीम्स, एज ईच एंड एवरी डे लॉट्स ऑफ न्यू स्कीम्स आर डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, हू चेक्स द फंड यूटिलाइजेशन फॉर ऑल दीज स्कीम्स। संजय, यस, दिस इज द मेन इशू एक्चुअली, कि हो क्या रहा है कि इन स्कीम्स की ना वैलिडिटी तो रखी जाती है, जैसे कि ये कहा जाता है कि इस स्कीम का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2020 से 2023 तक इस चीज को अचीव करना है, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट बीच में ही कुछ उन्हीं के साथ एड ऑन करके न्यू स्कीम्स ला देती है और नहीं चेक होता, चेक पता होता है, लेकिन होता क्या है कि फंड बीच में ना कहीं मैनेज नहीं हो पाता, फंड ऐसे घुमाव फिरा हो जाता है ना कि वो दिखता नहीं है कि कहाँ पर लगा है, या फिर लोगों को फैसिलिटीज मिली है या नहीं मिली। इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि ना लोग बाग कुछ तो कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है लेकिन लोग कहीं कहीं जाते भी नहीं। आप देखते हो कि कुछ लोग सड़कों पे अभी भी मांगते हैं, भीख मांगते हैं या फिर पैसे मांगते हैं, उनको ये राइट है कि वो गवर्नमेंट के पास जिस स्कीम के तहत, लोग अवेयर ही कहाँ है संजय। तो फंड यूटिलाइजेशन में गवर्नमेंट तो अपना प्रॉपर दे भी देती है अगर, या नहीं भी देती है, हम उनके ऊपर क्वेश्चनिंग भी तो नहीं करते ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सोशल वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स चेक करते हैं, मानसी सारी स्कीम्स चेक नहीं करते। सीएजी कैग जो है वो पूरी स्कीम्स को चेक नहीं करता, या एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि करप्शन है इस चीज में भी, क्योंकि लोगों के पास जितनी नॉलेज होगी लोग उतना ही तो काम करेंगे। अब हम जैसे लोग हैं, आप सब स्टूडेंट्स हो, मैं हूं, हम सब पढ़ रहे हैं, वी नो दैट कि दिस काइंड ऑफ स्कीम आर एक्चुअली रनिंग बाय द गवर्नमेंट, और इन दी कह सकते हो कि इन दी फेज में है ये सब चीजें। लेकिन हम देखो, अगर सिंपल सी बात है, स्कीम्स की नीड किसे होगी, जो उस चीज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। कुछ लोगों की अगर बात करूं तो कुछ लोग तो ऑलरेडी इतने डेवलप्ड हैं तो उस स्कीम को तो लेने जाएंगे नहीं। स्कीम को लेने कौन जाएगा, गरीब इंसान जिसको उसकी जरूरत है, एंड वो गरीब इंसान इतना लिटरेट नहीं है, उसको पता नहीं है। तो इट मींस गवर्नमेंट या फिर जहां पर भी वो स्कीम्स लॉन्च करी जा रही हैं,
उस जगह पर वो जाते हैं बेचारे, उनको दबा दिया जाता है जस्ट बिकॉज उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, साथ के साथ ये भी नहीं बताया जाता कि आप ऐसा ऐसा करो, यू विल यू हैव टू फुलफिल दीज ऑल दीज कंडीशंस, देन यू विल अवेल दीज फैसिलिटीज और दिस स्कीम। जब तक बेचारे वो कर पाते हैं तब तक सब कुछ ओवर हो जाता है, बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। यही तो होता है ना जनरली, आप कभी देखो, आप सिंपल से माइनर लेवल पे बात कर लो, बैंक्स में जाते हो जब आप, गवर्नमेंट बैंक्स में, तो वहां पर लोग किस तरीके से बात करते हैं आपने देखा है, गवर्नमेंट बैंक के जितने भी वर्कर एम्प्लॉयज होते हैं वो किस तरीके से, दे डोंट टॉक अबाउट इन अ सिंगल वे, मतलब वो अपोजिट बोल देंगे उस चीज के लिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। आई हैव सीन टू मेनी ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ, लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, यू कैन सिंपली से, अगर इतना हो जाए ना, लोगों को अवेयर कराया जाए, कैंपेन कराई जाए तो पता चले, फिर एक पूरी तरीके से कैंपेन में लोग लाइन वाइन लगाकर जैसे भी अपने डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करें, तब जाकर सबको स्कीम्स का फायदा हो सकता है। जैसे कि अब एक स्कीम की अगर बात करूं ना, तो जो मैंने शायद कल भी बताया था, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना को तो बहुत अच्छे से फुलफिल किया गया एंड उसको देखा भी गया इकॉनमी, मतलब दैट वॉज द प्रोडक्टिव स्कीम, क्योंकि उससे ना लोगों को बेनिफिट मिला है और ये दिखा है हर घर में, ठीक है। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसका नहीं दिखा, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मैं कहूंगा, हाँ लेजी होते हैं, लेजी कहूं या फिर परिणीति, मेरा मानना ये है कि ना दे आर नॉट वेल अवेयर, इवन ना कुछ बैंकर्स ऐसे हैं जो कि ना बहुत पुराने टाइम के हैं, मतलब दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट सो मेनी ऑफ थिंग्स लाइक लैपटॉप, बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक अगर कुछ यंगस्टर्स को रखा जाए, कुछ नए न्यू अपॉइंटमेंट्स हो बैंकिंग सेक्टर में, तो हो सकता है कि चीजें प्रोग्रेसिव हों। मेरे हिसाब से दे आर सो मच ऑफ ओल्ड एज पर्सन ना, तो उनको धीरे धीरे काम करने की आदत होती है, आपने देखा ही होगा। और यंग एज के जो लोग होते हैं वो बहुत काम फास्ट कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो आजकल कैंपेन जितने भी कर रहे हैं आपके सिविल डिफेंस वाले, देख रहे हो इनमें कोई भी ओल्ड एज वाला देख रहे हो आप, उन्हें सारे यंग एज वाले हैं, क्योंकि पता है कि हमें जरूरत यंगस्टर्स की है जो कि हर चीज को फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से कर सके। हाँ ये बात भी है, प्रेरणा exactly you are true। मेरे मानने से देखो होता क्या है, हम ना ये चीज माइंड से शायद निकालें तो ज्यादा अच्छा होगा। हर किसी का ये मानना है जरूर कि गवर्नमेंट सेक्टर स्लो है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर स्लो क्यों है उसके पीछे का रीजन ढूंढा जाए तो ज्यादा अच्छा है, और उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। जैसे कि आप एक कह ही रहे हो कि जॉब सिक्योरिटी तो है ही उनके पास, और वो काम धीरे करें या जल्दी करें, उन्हें कोई हटाने वाला तो है नहीं, ठीक है, दे आर काइंड ऑफ मर्जी के मालिक अपनी, ठीक है, वो इस तरीके के होते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन मैं उसी जगह अभी आप पर बोल रहा हूँ ना कि लोग अगर मतलब ऐसे सेक्टर्स में कुछ यंगस्टर्स को लाया जाए, बिकॉज मैंने देखा है कि जो न्यू एज जनरेशन इन चीजों में लग रही है ना, उनको बहुत हद तक गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक के लिए काम करना अच्छा लगता है, मतलब दे वांट कि वो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करके जिससे कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुना जा सके। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई कलीग्स आर इवन इन गवर्नमेंट जॉब, जो कि बताते हैं आकर, कभी डिस्कशन चलता है तो ये सब बातें उठती हैं, तो दे आर वेल अवेयर, दे डू नॉट फॉर्म द फॉर्म, मतलब दे डोंट क्रिएट द फॉर्मेलिटीज, वो फॉर्मेलिटीज नहीं करते, वो एक्चुअल में वर्क करते हैं वहां। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि मेरा कॉल तक उठाना जरूरी नहीं समझते काम के बीच में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहते हैं भाई काम इतना था, हमें वो करना था, सॉरी, फिर रात को कॉल आएगा, भाई क्या काम था बता, जब तक मेरा काम ओवर हो चुका होता है। सो देखिएगा PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना में तो पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। ऊपर किसी ने पूछा कि फ्लैट नहीं, पक्के हाउस की यहाँ बात हो रही है। मैकेडमाइज्ड का मतलब सीमेंटेड घर नहीं होना चाहिए,
उस इंसान का पक्का हाउस ना हो, मैकेडमाइज ना हो, ये नहीं कि लेंटर है उसके घर पे और बेसिकली लेंटर लेंटर नहीं होगा तो भी हम उसको देंगे घर, नहीं। कच्चा घर है, छत कच्ची है, दीवारें जो है मिट्टी की है, फर्श भी नहीं है, इस तरीके का घर अगर है तो उनको ये फैसिलिटीज दी जाएगी, ठीक है। और ऐसा अगर किसी अगर स्टेट में भी मिलता है उनका, तो उनको इस बेनिफिट का कोई वो नहीं होने, मतलब इस स्कीम से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, छीन ली जाएगी उनसे जो उन्हें घर बना के दिया जाए। क्या आपने किसी ने देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू किसी का घर बनते हुए? बिकॉज मैंने बहुत सारे देखे हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं अर्बन रूरल एरियाज में, मैंने यूपी में बहुत सारे देखे हैं। और ऐसा नहीं है, देखो मैं ये कहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू भी बहुतों को मिला है, लेकिन मैंने इसमें नहीं देखा, मैंने अर्बन एरियाज में बहुत कम नोटिस किया है अभी तक, मैंने रूरल एरियाज में ही नोटिस किया है। चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट क्यों होगी? चंडीगढ़ की किसी आउटर एरिया में देख लिया होगा उमंग आपने? वैसे चंडीगढ़ में तो मेरे ख्याल से मैंने चंडीगढ़ जितना देखा है और जितना ऑब्जर्व किया है, वहां पर तो ज्यादातर लोगों का मैकेडमाइज्ड है, दे आर लिविंग वेल वेल एंड गुड हाउस इन वेल एंड गुड इन हाउसेस, मतलब बहुत अच्छे से। मैंने सुना था एक हाउस से हेल्प बता रहे थे कि उनको फ्लैट दे रही है गवर्नमेंट। हो सकता है उमंग, मुझे नहीं पता, वैसे मैंने जितना भी, क्योंकि पता है कुछ कुछ चीजें ना आती हैं और आती आती उड़ती उड़ती खबर होती हैं, वो ऐसे ही रह जाती हैं, तो इतना नहीं है। करण चौधरी, किराया भी बहुत आ जाता है उनपे। हाँ करण, ये बात आप सच कह रहे हो कि वहां पर बहुत अच्छे से किराए, मतलब लोग बाग वहां पर अगर 3-4 फ्लोर का कोई एक वो बना देना फ्लैट, और उसमें 4-5 मतलब 8 रूम भी बना दिए, तो बहुत अच्छा किराया उठा लेगा वो बंदा। हाँ मैं भी 1 ईयर रहा हूँ वहां पर, चंडीगढ़। और आपका चंडीगढ़ एंड योर नॉर्दर्न साइड, दैट इज योर मतलब उत्तराखंड हिमाचल साइड, मेरा बहुत फेवरेट जगहों में से। एक लाख ले रहा था रेंट फॉर 1 ईयर, एक लाख कैश फॉर 1 मंथ। कितने रूम्स थे भाई करण? अच्छा पीजी था, हाँ इट्स ओके करण, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये 1 लाख तो आप बहुत कम बता रहे हो 1 मंथ में, मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा देखे हुए हैं, देहरादून में इससे भी ज्यादा है। एक लाख तो बहुत ही ऐसे है, कम सा है, मतलब नॉर्मल सा पीजी वाला रेट है ये 1 लाख की 1 मंथ में वो ले रहा है सेक्टर 21 में। ओके यस, तो आप में से कोई मेरे से कुछ पूछ रहा था, यस मैं बता रहा हूँ आगे के पॉइंट्स, सुनिए क्लास प्लीज। दी एनुअल, चलूँ क्लास स्टार्ट करूँ मैं अगर आप रेडी हैं तो? यस सो अगर हम बात करें तो पक्का हाउस तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग की अगर बात करें, द एनुअल इनकम शुड बी बिटवीन 3 लाख टू 6 लाख इफ द बेनिफिशरीज फ्रॉम द एलआईजी। अगर हम बात करें तो एनुअल इनकम जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से 6 लाख के इन बिटवीन होनी चाहिए, अगर वो बेनिफिशरी जो हमारा लो इनकम ग्रुप से है। बाकी तो ये बीपीएल वालों के लिए ही है, अगर लो इनकम ग्रुप में आ रहा है कोई और इसकी फैसिलिटी को लेना चाहते हैं तो उसकी सैलरी जो होनी चाहिए वो 3 लाख टू 6 लाख होनी चाहिए पर एनम। साथ के साथ मेंबरशिप ऑफ दी वन अडल्ट फीमेल मेंबर ऑफ दी फैमिली मैंडेटरी इन ओनरशिप ऑफ दी हाउस। यानी अगर मैं बात करूं तो पक्का हाउस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मिलेगा जिसके घर में ना सिर्फ मतलब एक फीमेल का होना जरूरी है, क्योंकि उस फीमेल के नाम पर ही ना उसको ऑनरशिप मिलेगी उस हाउस को, समझे क्लास? अगर कोई भी फीमेल नहीं और सब मेल हैं तो उनको इस फैसिलिटी को मतलब फैसिलिटी ये नहीं मिल पाएगी,
ये फैसिलिटी जब ही मिलेगी जब उनके घर में कोई एक फीमेल होगी, क्योंकि उसी के लिए ये ऑनर, मतलब वो ही ऑनर बनेगी उस घर, ठीक है, उसी के नाम पर वो पूरा रेडी किया जाएगा, ठीक है। यही बात पूछ रहा था आप में से कोई शायद मुझसे, अच्छा प्रेरणा, अगर वो मान, हाँ तो भी आप फैसिलिटी ले सकते हो प्रेरणा, अगर लाइक अगर कोई विडो है, विडोवर की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं प्रेरणा, तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, औरत को ही फैसिलिटी मिल जाएगी, विडो को, विडोवर को नहीं मिलेगी, ठीक है प्रेरणा। सर वन रिक्वेस्टिंग, कैन यू टेक वन क्लास ऑन आर्थिक पैकेज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड एंड द फार्मर प्रोटेस्ट फॉर एमएसपी इशू। ओके संजत, ठीक है, मुझे अभी नेक्स्ट वीक आपकी और क्लास लेनी है संजत, मैं नेक्स्ट वीक की क्लासेस स्टैटिक जीके में कवर करूंगा। सो स्टैटिक जीके का अगर आप मुझे सब कहो कि स्टैटिक जीके में कुछ चीजें, मतलब कुछ का आपको सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं अगर, क्योंकि दे आर जस्ट फॉर लर्निंग, उनमें अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, अगर ऐसा कर सको तो मैं उसमें भी मैनेज कर लूंगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को ना बोलकर ही बताना है मुझे स्टैटिक जीके में, क्योंकि मैं उनको याद करने के लिए कुछ के लिए ट्रिक्स बता भी दूंगा, लेकिन कुछ के लिए तो डायरेक्ट वो रट्टा मारो याद करो यही करना है, बाकी अगर आप जैसा कह रहे हो तो आई विल टेक द वन लेक्चर फॉर द एमएसपी इशू। ऐसा क्लास कर सकती हूँ कि मैं अगर आपको पीडीएफ दूं कुछ स्टैटिक जीके के तो आप खुद से कर लें, बाकी को मैं डिस्कशन कर दूंगा यहाँ पर जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट होंगे, मुझे डिस्कस करने चाहिए। ऑल यू आर रेडी फॉर दैट? क्योंकि बाद में फिर आप सब ये मत कहिएगा मुझे कि सर ने डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि डिस्कशन करने जैसा उनमें कुछ होगा नहीं, आप बस बैठ के मुझे सुनोगे ही, नाम ही बोल बोल के बताने हैं मुझे, ठीक है। ऑल डन ना? ठीक है, तो फिर मैं यही करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक कोई एक लेक्चर देख लूंगा जब मुझे लगेगा, मैं एमएसपी इश्यूज पर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है क्लास। उसके बाद अगर हम बात करें दी अनदर वन, आई हैव नोट डाउन की एक्चुअली बच्चों की डिमांड जो जो होते हैं ना हर लेक्चर में, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि क्या क्या बच्चे चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम आए अब तो अनदर वन इज कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम क्या है? देखिए कुसुम की फुल फॉर्म जो है वो याद रखिएगा पहले तो, दैट इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और कुसुम स्कीम, जिसका मेन फोकस क्या है, विच एम्स एट द फर्दरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द सोलर पावर इन इंडिया। इसका मेन फोकस है इंडिया में सोलर पावर को इंक्रीज करना, एंड ऑल्सो दे गिव्स द बेनिफिट ऑफ सोलर फार्मिंग टू द फार्मर, और उस सोलर एनर्जी को, सोलर पावर को यूज करना किसके लिए, फार्मर्स के लिए, सोलर फार्मिंग में यूज करना। यूनियन बजट 2018 एंड 19 में ये सेट किया गया था, जिसमें कि सम अराउंड ऑफ रखने के लिए बात की गई है 48,000 करोड़, ठीक है, इतने का 48,000 करोड़ का जो फंड है इसमें स्पेंड खर्च करने की बात की गई है फॉर द 10 ईयर्स, 2018-19 से लेकर आगे आपका 10 ईयर तक। In March 2021, the central government introduced the modification to an existing component of the PM Kusum. इसमें कुछ modification हुआ है, वो क्या है? Farmer income support and the de-dieseling scheme. दो चीजों का support हुआ है कि एक तो farmer की income का include किया गया है, साथ के साथ de-dieseling scheme. So as to channelize its focus on solarizing agriculture feeder instead of pumps. यानी डी डिजलिंग स्कीम का मतलब यहाँ पर है कि अगर कभी भी इरिगेशन के लिए, सपोज जैसे कि आपने देखा होगा ना वो पंप लगाते हैं, जनरेटर सेट कर देते हैं पानी को ओवरफ्लो करने के लिए, तेज करने के लिए, तो इन ऐसी चीजों का, डीजल वाली चीजों का यूज ना करके किसका यूज किया जाएगा, सोलर वाली चीजों का यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर में। दिस मूव वुड ऑब्विएट द नीड ऑफ फार्मर्स टू रिप्लेस एवरी एग्जिस्टिंग पंप इन द विलेज विद अ सोलर पंप, और जितने भी ऐसे पंप हैं गांव में जितने भी फार्मर्स के पास, उनको रिप्लेस किया जाए किससे, सोलर पंप से, ठीक है। साथ के साथ कुसुम मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड बाय कुसुम स्कीम जो थी, ये इंप्लीमेंट जो किया गया है ये किस मिनिस्ट्री के थ्रू किया गया है, बाय द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ठीक है।
इसमें इनिशियली गवर्नमेंट का जो पूरा वो था खर्च था पूरा, दैट वाज दी 1.7 मिलियन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर सोलर पंप्स के लिए 10,000 मेगावाट तक का सोलर प्लांट्स में सेट करने की बात की गई उस जगह पर जो कि बैरन लैंड है। साथ ही साथ ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कॉम्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कराती है जिनको डिस्कॉम्स कहा जाता है, डिस्कॉम्स विल बाय द एडिशनल सोलर पावर प्रोड्यूस बाय द फार्मर ऑन द बैरन लैंड्स। अगर कोई फार्मर प्रोड्यूस करता है तो डिस्कॉम उसे परचेज करेगा एंड डिस्कॉम विल गेट द सोर्स टू बाय दिस इलेक्ट्रिसिटी, और डिस्कॉम जो है इसको एज अ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर वो प्रोवाइड कराएगा किसको, रूरल एरियाज को, ठीक है। साथ के साथ ट्यूबवेल्स एंड द एग्जिस्टिंग पंप्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी कन्वर्टेड टू द रन ऑन सोलर पावर, जितने भी ट्यूबवेल्स और एग्जिस्टिंग पंप्स हैं रिगार्डिंग जो डीजल से चल रहे हैं उन सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, सोलर पावर्स में। साथ के साथ फार्मर विल गेट अ सब्सिडी ऑफ 60% ऑन अ सोलर पंप, और जिस जहां पर जो फार्मर जिसके खेत में वो सोलर पंप है उसको उसके ऊपर 60% की सब्सिडी भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ दैट सोलर पंप, ठीक है। वो रेट डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट उसकी। इट शैल बी डिपॉजिट टू देयर बैंक्स अकाउंट डायरेक्टली, ऑब्वियस है। दिस सब्सिडी इज गोइंग टू बी शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, 30% ऑफ द कॉस्ट विल बी ऑब्टेन्ड एज अ बैंक लोन, और साथ के साथ अगर हम बात करें तो उसपे आप 30% का लोन भी अवेल कर सकते हैं। ओनली दी हैंस ओनली दी रेस्ट 10% विल हैव टू बी बोर्न बाय द फार्मर्स देमसेल्फ, और अगर हम बात करें तो 10% मतलब देखा जाए तो 60% तो उसको सब्सिडी मिल ही रही है, 30% का वो लोन भी ले सकता है, और अगर साथ के साथ अगर हम बात करें तो उसमें से 10% अपने पास भी फार्मर्स रख सकता है। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि सोलर एनर्जी का टोटल प्रोडक्शन जितना होगा ना तो 10% फार्मर्स अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकता है। इट मीन्स लाइक अगर बहुत सारी चीजें होती है ना, यू कैन से कि जैसे कि तो मुझे ना थोड़ा आइडिया नहीं है कि खेतों में क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, बाकी ये मान के चलो बस कि वो टोटल प्रोडक्शन का सोलर प्रोडक्शन का 10% वो अपने कुछ यूजेस में भी ले सकता है, ऐसा इस स्कीम में बोला गया है। ठीक है क्लास, ठीक है क्लास, समझ में आई कुसुम स्कीम? क्लास ऑल यू आर देयर, समझ आया? ठीक है, कुसुम स्कीम भी बहुत बार आ रही है, मतलब पेपर में पूछी जा रही है क्योंकि 2018-19 से चल रही है तो अभी रनिंग में ही है, तो प्लीज याद रखिएगा, और आगे 10 साल तक है। ठीक है, आफ्टर दैट अनदर स्कीम की अगर हम बात करें, इट्स योर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपके शायद मैंने कल भी बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। व्हाट इज एन एग्रीकल्चर सोलर पंप? प्रेरणा एग्रीकल्चर के लिए ना खेतों में ना सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए ना लोग जेट लगवाते हैं और उन जेट में ना इस्तेमाल किया जाता है डीजल का, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ना यूज करके वहां पर सोलर यानी लाइट से वो पंप चलेंगे, ऐसी जगहों पर सोलर पंप्स का इस्तेमाल किया जाए, ये इस स्कीम में बात की गई है, ठीक है। यस, हाँ जी हाँ जी। सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, जो कि आपकी 9th मई 2015 में लॉन्च की गई थी बाय द प्रधानमंत्री इन कोलकाता। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था अरुण जेटली ने, जो कि 2015 के बजट में आई थी, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर उतने टाइम अरुण जेटली थे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी LIC से जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, नाम से ही पता चल रहा है। इसका बेनिफिट्स क्या है, ये एक्चुअल में ना तीन स्कीम्स को लेकर आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। वन इज ऑफ योर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सेकंड तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ही, एंड थर्ड वन इज अटल पेंशन योजना, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लास में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है कि इसमें ना मैक्सिमम जो आपका अमाउंट है इंश्योरेंस का वो 2 लाख का अमाउंट है, और ये अमाउंट एक्चुअल में एलिजिबल है बेनिफिशरीज का इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ इस बीमा योजना के तहत तो उसको 2 लाख का क्या मिलेगा, डेथ में एक इंश्योरेंस मिलेगा, साथ के साथ
उसको उसका जो प्रीमियम देना होगा हर साल का, दैट इज ऑफ ₹330, ठीक है, ₹330 का प्रीमियम रखा गया है इसमें, जो वो हर साल पे करेगा। तब जाकर उसको उसकी एज 70 years ऑफ एज में मतलब ये पूरा मिल सकता है, लेकिन अगर उसकी इन केस इससे पहले डेथ होती है तो उसको ₹2 lakh उसकी डेथ का कवरेज होगा, ठीक है। साथ के साथ प्रधानमंत्री बीमा योजना में अगर मैं बात करूं तो हाँ, 18 से 17 तक का है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, सॉरी क्लास, सॉरी सॉरी, इसमें 70 years नहीं है एक्चुअली, प्रधानमंत्री सुरक्षा में 70 का है। मैं थोड़ा सा डाउटफुल था इसलिए मैंने चेकआउट करके आपको बताया है। इसमें 50 years तक की एज का है ये इंश्योरेंस, ठीक है, और अगर डेथ हो जाती है तो ₹2 lakh का डेथ कवरेज है, ₹330 पर एनम का उसको पे करना होगा प्रीमियम जो है, ठीक है। अगर हम बात करें सुरक्षा बीमा योजना की, तो सुरक्षा बीमा योजना इज द अनदर वन। सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की। इसमें है जो एज ग्रुप वो है आपका 18 to 70, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज पीपल, ठीक है। इसका जो प्रीमियम है वो ₹12 पर एनम का है, ठीक है। इसमें रिस्क कवरेज जो है, यानी अगर सपोज डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल कोई भी चीज होती है, तो ₹2 lakh का कवरेज है। और अगर सपोज करो एक्सीडेंट में वो उसकी मतलब ये कह सकते हो पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, किसी भी तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका जो कवरेज होगा इंश्योरेंस का वो कितना होगा, दैट इज ऑफ ₹1 lakh, ठीक है। फुल कवरेज एक्सीडेंट में कितना है, ₹2 lakh का है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये चीज याद रखना, एक्सीडेंट के लिए एक्सीडेंटल कवरेज ₹2 lakh का, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है एक्सीडेंट के थ्रू तो ₹1 lakh। पर एनम प्रीमियम कितना देना होगा, ₹12 का, और कितनी एज तक के लिए, 18 से 70। जबकि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की अगर बात करें तो वो मैंने पिछला बताया 18 से 50 years के लिए है। उसमें सिर्फ लाइफ कवरेज है, लाइफ डेथ कवरेज, दैट इज योर कितने का, दैट इज ऑफ ₹2 lakh का, और कितना प्रीमियम है, ₹330, ठीक है क्लास। नो प्रेरणा, कोई भी स्कीम ना मतलब कोई भी स्कीम के लिए बेनिफिशरीज ना एक पर्सन दोनों नहीं ले सकता इस इन दोनों में, ठीक है, समझ में आ गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लास, ओके। आफ्टर दैट उदय स्कीम। उदय स्कीम क्या है, देखिए उदय स्कीम ना नवंबर 15, 2015 में लॉन्च की गई थी। ये बेसिकली आपके डिस्कॉम्स के लिए ही है। डिस्कॉम्स में किस चीज के लिए है कि हमें जो है ना इस स्कीम के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सेसिबल करना है और अफोर्डेबल करना है 24x7, यानी जितने भी एरियाज हैं आपके, मतलब ये रूरल एरियाज के लिए मेन फोकस कर रहा है यहाँ पर भी उदय स्कीम में, कि रूरल एरियाज में वो 24x7 पावर अवेलेबल कराएगा हर किसी को अफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, बेनिफिट्स टू द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स में क्या है, जितने भी स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ पावर थ्रू द सेंट्रल सपोर्ट, सेंटर का सपोर्ट रहेगा और जितनी कॉस्ट है पावर की उसमें कम मतलब कमी होगी, रिडक्शन होगा जरूर। इंक्रीज सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कोल, ठीक है, सप्लाई जो है डोमेस्टिक कोल की वो हर एक स्टेट अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। एलोकेशन ऑफ द कोल लिंकेजेस एट नोटिफाइड प्राइसेस, साथ के साथ जितने स्टेट्स में कोल के जो प्राइसेस चल रहे होंगे, हर स्टेट्स का डिस्कशन होके उतने प्राइसेस में वो आगे तक बढ़ेगा। साथ के साथ कॉल प्राइस रेशनलाइजेशन, कॉल का प्राइस ऐसा नहीं होगा कोई स्टेट ज्यादा में दे और कोई स्टेट कम में दे। कॉल लिंकेज रेशनलाइजेशन अलाउंग कॉल स्वैप्स, यानी वही बात है ऊपर वाली, दो दो बार ऐड हो गया है मेरे से। सप्लाई ऑफ वॉस्ट एंड द कर्स्ड सोल कॉल, यानी अगर कभी भी कोई सप्लाई देता है स्टेट कॉल की तो वो क्या देगा, अच्छा कॉल प्रोवाइड कराएगा, और क्रस्ड यानी बहुत बड़ा बड़ा कॉल का नहीं हो साइज, ठीक है। एडिशनल कॉल ऑफ एट नोटिफाइड प्राइस, जितने कॉल की जरूरत पड़ रही है उससे ज्यादा की अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी उतने ही प्राइस पर मिलेगा जितना नोटिफाई किया गया है।
फास्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन, साथ के साथ कॉल की ट्रांसमिशन के लिए मतलब कॉल को पहुंचाने के लिए फास्टर इंटर स्टेट लाइन्स होंगी, साथ के साथ पावर परचेज थ्रू द ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटेटिव बिडिंग, साथ के साथ पावर परचेज जो होगा मतलब हर स्टेट में जो पावर सप्लाई भेजी जाएगी वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टेट में पावर प्राइसेस बहुत ज्यादा रखे जाएंगे और किसी में बहुत कम रखे जाएंगे। ठीक है क्लास, ये है उदय स्कीम। ठीक है क्लास, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है भाई। क्लास आप सबको मेरी बातें समझ आ जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता कि सब ऊपर ऊपर से चला जाता है। प्लीज मेरी प्रॉब्लम अगर कुछ भी लगे आपको तो मुझे शेयर किया करो, मुझे बताया करो, आई विल मेक श्योर कि आपको कैसे समझा सकूं, कितने अच्छे से बता सकूं। ठीक है, बाकी मुझे इतना नहीं लगता कि मैं कोई आप मतलब कोई भी बाकी चीज छोड़ता हूं जिससे कि आपको डाउटफुल हो मेरी नजर में। ठीक है, बाकी समझने को बहुत कुछ पड़ा हुआ है, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न, लेकिन डिपेंड करता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना क्या चीज मेन है। ठीक है क्लास, प्रेरणा इसीलिए तो मेंशन करी है डियर, अगर ये याद नहीं रखनी होंगी तो व्हाई शुड आई मेंशन ऑल दीज थिंग्स, व्हाई आई हैव टू डू, मतलब मुझे क्या पड़ी है, मैं सिर्फ नाम बता के और डेट बताकर छुट्टी कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। मुश्किल से आपकी टोटल स्कीम्स में देखूंगा ना तो मुश्किल से 25 भी नहीं हुई होंगी अब तक जितनी मैं कल से डिस्कस कर रहा हूँ। ये टोटल स्कीम साथ के साथ 10-15 आप कर लीजिए, 40-45 स्कीम होंगी टोटल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे ज्यादा आपकी नहीं पूछी जाती। मैंने कल भी शायद बोल दिया था कि स्टेट वाइज जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कैंपेन हो रहे हैं, स्कीम्स लाई जा रही हैं, उनकी जरूरत नहीं है आपको, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें करो जो कि आपके बोथ एग्जाम फॉर एसएससी एंड बैंक्स दोनों के लिए रिक्वायर्ड। क्लास अब टाइप सब इतने लोग करते हो लेकिन लिखते इतने धीरे हो और आता पता है मैसेज में क्या है, दैट इज ओके, दैट्स इट, ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिखोगे। मोस्टली कंसर्न मिनिस्ट्री पूछा जाता है एग्जाम में ना। यस रंजित, एक्चुअल में ना जिस चीज का ज्यादा डिस्ट्रेस चल रहा होता है ना और बहुत फोकस्ड में हो मिनिस्ट्री कोई तो उसको ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे अभी तो कोविड 19 भरा पड़ा है, राहत पैकेज एंड ऑल, हर न्यूज़पेपर में यही आ रहा है। ठीक है, बहुत कम न्यूज आ रही है जिनको करंट अफेयर्स में रखा जा सके। करंट अफेयर्स जो आप शायद देख भी रहोगे साइट्स पे अपलोड किया जाता है मेरे थ्रू, उनपे बहुत कम ही न्यूज में रख पा रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं कुछ रखने लायक। क्या रखें, यही रखें क्या कि ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड हो रही है, कोविड इतना बढ़ रहा है, थर्ड फेज आ गया है, ये सब थोड़ा रख सकते हैं। ठीक है क्लास, सो आते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम पर, दैट इज योर स्टैंडअप इंडिया स्कीम। स्टैंडअप इंडिया स्कीम जो है हमारी, ये कब लॉन्च की गई थी, स्टैंडअप इंडिया स्कीम आपकी लॉन्च की गई है दैट इज ऑफ 5th अप्रैल 2016, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। इसमें शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट ऑफ वुमेन के लिए कंट्री में लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई, आपको 10 लाख टू रेट्स 1 करोड़ बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। यानी स्टैंडअप इंडिया स्कीम जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जाकर ले लो, ये बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं जो कि इकोनॉमी में काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल मस्ट बी 18 इयर्स और अबव, द कंपनी मस्ट बी प्राइवेट लिमिटेड और अ पार्टनरशिप फर्म। और जो अगर वो कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो पैसा लगेगा वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड खुले या फिर पार्टनरशिप फर्म हो। ठीक है, The turnover of the firm must not be more than 25 crore. जो turnover है उसका 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The entrepreneur should either be a woman or a person belonging to the scheduled caste or the scheduled tribe category. SC ST category से हो या फिर woman हो वही इसकी facility वो ले सकता है। साथ के साथ the loan will only be provided to the fund greenfield projects. The projects must be a very first one, first being undertaken under the manufacturing or the service sector.
जनरली फंड जो है ये उसको ही मिलेगा जो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से होगा, लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से भी हो सकता है, ठीक है। The applicant must not a bank or any other organization defaulter. जो applicant है वो कोई भी bank नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा organization defaulter नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें stand up India scheme में mention की गई है बात, clear? Clear class? Central government की through stand up India scheme रखा गया है। ठीक है संजय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट वगैरह के लिए मुझे पूरी तरह से याद नहीं है मिनिस्ट्री, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ट्राइबल अफेयर तो नहीं है क्योंकि ये ट्राइबल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और एसटी एससी और वुमेन्स के लिए है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं है। बाकी आप एक बार गूगल कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लास, अभी बहुत सारी रहती हैं आपकी स्कीम्स। देयर इज अ 4 and 5 स्कीम्स आर ऑलमोस्ट देयर, तो क्लास हो सकता है मुझे नेक्स्ट क्लास में भी आपकी ये स्कीम्स करानी पड़े, बट डोंट वरी, स्कीम्स भी करा दूंगा एंड मैं कुछ स्टैटिक पार्ट भी कराऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं सेंसेस भी करा सकूं, ठीक है। सो क्लास थैंक यू सो मच फॉर द टुडे, आज का टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा आगे लेक्चर को ले जाने के लिए, ठीक है। हिमांशी आप बायो की क्लास रोजाना लेते हैं क्या मुझसे या आप यूट्यूब पर देखते हैं? एक्चुअली हिमांशी पता है हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम ना, दैट टाइम देयर वाज अ नेटवर्क इशू, अ लॉट नेटवर्क इशू। बाकी अभी बायो की क्लासेस में बाकी लेक्चर्स में भी लूंगा, बाकी बैचेस में लूंगा, तो फिर से रिकॉर्डिंग अपलोड की जाएगी, आप उनका वेट करिए थोड़े से दिन का, मे बी फॉर 1 वीक, सो आप वहां से देखना शुरू कर लीजिएगा। बाकी कुछ लास्ट की क्लासेस अगर आप देखेंगे, लाइक बायो की आप बॉटनी की क्लासेस देखेंगे तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से वॉइस क्लियर है। बाकी आप लाइक क्लासेस देख रहे होंगे डाइजेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम की देख रहे होंगे तो उनमें शायद क्लियर नहीं है, ठीक है क्लास, ठीक है मानसी। बाकी अभी न्यू अपलोड की जाएंगी तो आप उनको देख लीजिएगा, डोंट वरी, ओके। तो क्लास ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। मैं पीपीटी शेयर करा दूंगा, समझा नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है क्लास, अगर मैंने इसमें एड ऑन कर दिया तो डेट, ठीक है डेट, क्योंकि मुझे एड ऑन नहीं हो पाई है अभी, ओके क्लास। सो थैंक यू सो मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, अच्छे से रहिए, सबका हौसला बढ़ाते रहिए, ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।